आपका आज की वीडियो में। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है व्हाई पाकिस्तान नीडेड एन अदर बेलआउट फ्रॉम IMF, विल दिस बी लास्ट UPSC। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किए, लाइक किए, शेयर को फॉलो करें कि चैनल को, उसके लिए मैं लोग चैनल का लिंक Instagram लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किए, लाइक किए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हर बार जब भी पाकिस्तान IMF के पास जाता है और लोन लेता है तो ये कहता है कि ये आखिरी लोन होने वाला है, लेकिन वो होता नहीं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर खबर, अभी लेटेस्ट जो आया है दैट इज पाकिस्तान सेज द IMF हैज अप्रूव्ड अ $7 बिलियन लोन। तो यहाँ पर पाकिस्तान को और $7 बिलियन का लोन मिला है। ये कैसे स्ट्रक्चर होगा, कैसे दिया जाएगा, कंडीशंस क्या लगाए गए हैं और क्या ये आखिरी लोन होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा जो नया प्रतिज्ञा प्लस बैच है जो कि 30th of September से स्टार्ट हो रहा है, और ध्यान रखिएगा 2025 के लिए ये आखिरी बैच होने वाला है। तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वेडनेसडे को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पाकिस्तान को। और ये मैं आपको बता दूं, 2 महीने पहले ही जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होता है वो हो चुका था। यहाँ पर जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने धन्यवाद दिया IMF के चीफ का, और साथ ही साथ ये कहा कि अगर गॉड विलिंग हो तो ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि यहाँ पर पाकिस्तान बार बार कहता तो है कि ये आखिरी उसका लोन होने वाला है, लेकिन होता नहीं। और मैं आपको बता दूं, पूरे पाकिस्तान के अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है पूरा इतिहास अगर आप पलट कर देखोगे तो ये 25th सच प्रोग्राम है। सोच के देखिए, 25th टाइम ये लोन लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो क्वेश्चन अब सबसे पहला यहाँ पर यह आता है कि क्यों आखिरकार पाकिस्तान को बेल आउट की ज़रूरत है। देखो, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का पुअर गवर्नेंस है, यहाँ पर फिस्कल मैनेजमेंट सही से नहीं होता। मतलब देखिए, जितनी चादर है उतना ही आपको पैर पसारने चाहिए। तो यहाँ पर जितना रेवेन्यू है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा कर देना, सही से चीज़ों को मैनेज ना करना, तो ये सब कारण हो जाते हैं। 2022 में मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान अभी 2019 वाला जो लोन है उसको IMF से ले रहा था। इसके कई कारण हैं, क्योंकि 2019 में ये वाला जो पूरा लोन है वो सप्लाई किया गया था, अप्रूव किया गया था IMF के द्वारा, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि बीच में आपको याद है COVID-19 पैंडेमिक आ गया, रशिया यूक्रेन का वॉर, फिर साथ ही साथ पाकिस्तान में भयानक फ्लड आया था अगस्त के महीने में उसी साल 2022 में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पूरा प्रोग्राम है लोन का वो एक तरह से रुक गया। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो कई सारी जो कंडीशंस होती हैं, क्योंकि अगर आपको IMF पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है, तो आपको आपके ऊपर कुछ कंडीशंस डालता है, तो वो अगर आप कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हो तो यहाँ पर लोन रुक जाता है। तो इस तरह के कई ऐसे कंडीशंस थे, अश्योरेंसेस थी, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर कहा था कि वो टैक्सेस और लगाएगा, कई सारे जो एक्सचेंज रेट वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। और इसीलिए नवंबर 2022 में IMF ने $1.18 बिलियन का जो पूरा और पैसा उसको मिलना था उसको रोक दिया गया। लेकिन फाइनली आप देख सकते हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई। फूड और ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गए। इन्फ्लेशन रेट सोच के देखिए, मई 2023 में 38% चला गया। सोचिए, 38% इन्फ्लेशन रेट, पाकिस्तानी रुपी 20% गिर गया US डॉलर के मुकाबले। यहाँ पर उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $3 बिलियन के आसपास आ गया था। जुलाई 2023 में फाइनली पाकिस्तान ने $3 बिलियन का जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट होता है वो IMF के साथ किया, क्योंकि उस समय आपको याद होगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चल रही थी, सही से यहाँ पर जो इलेक्शंस वगैरह का पूरा इश्यूज चल रहा था, जो इमरान खान है उनको हटा दिया गया था, तो ये सारे जो सिनेरियोज चल रहे थे इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, और जिसकी वजह से फाइनली IMF के साथ कुछ एग्रीमेंट वगैरह किया गया और कंडीशंस लगाए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइनली सितंबर 2024 में अभी पाकिस्तान की हालत यह है कि इन्फ्लेशन रेट
पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। अब 5 वर्षों में सबसे कम मतलब 7.5% है, जो कि अगर आप देखोगे भारत में जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो मैक्सिमम 7.58% चला जाए तो चिंता होने लगती है। इनका पिछले 5 सालों में सबसे कम इन्फ्लेशन रेट अभी चल रहा है 7.5%। वहीं इनका फॉरेक्स रिजर्व अगर आप देखिए तो $9 बिलियन है, जो कि थोड़ा सा ही इम्प्रूव हुआ है। उसका मेन कारण है चाइना, सऊदी अरबिया, यूएई, इन सबसे थोड़ा पैसा मिला है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप एक्सटर्नल डेट देखोगे, जो कर्ज देखोगे पाकिस्तान का एक्सटर्नल, वो $130 बिलियन है। सोचिए इनके पास रिजर्व है $9 बिलियन का और कर्ज है बाहर से $130 बिलियन का, जिसमें से $90 बिलियन तो अगले 3 साल में उनको पे करना है। अब ये कैसे करेंगे भगवान ही जाने। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये है कि $7 बिलियन का ये जो पैकेज मिला है इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें कौन सी चीजें रखी गई हैं। देखो यहां पर ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होता है जो IMF मदद करता है, वो उन्हीं देशों को करता है जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यूज चल रहा है। जैसे आपको याद होगा 1991 में भारत का उस समय क्राइसिस आया था, तो उस समय भारत ने कुछ हद तक मदद ली थी। और ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी वाली मदद होती है वो तब दिया जाता है जब स्ट्रक्चरल वीकनेस होता है, जब शॉर्ट टर्म में आप चीज़ों को सुलझा नहीं सकते, आपको लंबा समय लगेगा, रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे देश के अंदर, तब यहाँ पर इसके माध्यम से IMF आपको पैसे देता है। और पाकिस्तान के केस में आप देखोगे तो यहाँ पर मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज में चेंजेस की बात कही गई है, टैक्स रिफॉर्म में चेंजेस की बात कही गई है, तभी यहां पर उनको पैसा दिया जा रहा है। और अभी के लिए बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को $1.1 बिलियन मिलेगा, मतलब ये $7 बिलियन का पैकेज है। इसका मतलब ये नहीं कि IMF उनको एक बार में पूरा $7 बिलियन दे देगा, अभी $1.1 बिलियन देगा, फिर कुछ समय के बाद वो चेक करता रहेगा कि क्या पाकिस्तान चीजों को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से यहां पर पैसा रिलीज करता रहेगा और अगले 36 मंथ्स में ये पूरा पैसा रिलीज किया जाएगा। खैर क्वेश्चन अब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर कंडीशंस क्या क्या डाले गए हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला ये बोला गया है कि एक तो जो आपने लोन लिया था चाइना, सऊदी अरब और यूएई से, उनको आपको $12 बिलियन का लोन लौटाना था, ये आप उसको रोल ओवर कर लीजिए। मतलब ये जो पैसा आपको देना था तो आपको इन देशों से बातचीत करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि देखिए अभी हम ये पैसा नहीं दे सकते, ये पैसे को और रोल ओवर कर दीजिए अगले 2 साल 3 साल 4 साल के लिए और एक्सटेंड कर दीजिए, जो कि पाकिस्तान ने बातचीत करके कर लिया है। फिर दूसरा यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर एक और कंडीशन था कि आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से कुछ लोन लेना है $600 मिलियन का, तो वो आप यहाँ पर लोन ले लीजिए। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको अपने देश बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे टैक्स रिफॉर्म लाना पड़ेगा जिससे आपकी रेवेन्यू बढ़ सके। और बताया जा रहा है कि इस टैक्स चेंजेस की वजह से पाकिस्तान को करीब $6.5 बिलियन का और एडिशनल टैक्स आएगा। इसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में उनको 51% का इजाफा करना पड़ेगा, यहां पर 64% ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा थ्रू नॉन टैक्स सोर्सेज, जैसे कि पेट्रोलियम के ऊपर और टैक्स डालने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और टैक्स डालने होंगे। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि यहाँ पर पाकिस्तान को जो स्पेंडिंग है वो सही तरीके से, बैलेंस तरीके से करनी है, ऐसा नहीं है कि मनचाहे तरीके से कर दिया। जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर आपको टैक्स लगाना है और ज़्यादा कोई सब्सिडीज़ नहीं देनी है, ये IMF के कंडीशंस में बोला गया है। तो देखो बहुत मुश्किल होता है IMF के कंडीशंस को मीट करना, इट्स नॉट सो इजी। और इसीलिए क्या है कि पाकिस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट पॉलिटिकल सपोर्ट भी जुटाना मुश्किल है। पाकिस्तान में आपको पता है जो सरकार बनी है वो कोलेशन गवर्नमेंट से बनी है, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आया है, तो यहाँ पर क्या वो पॉलिटिकल सपोर्ट जुट पाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात कही गई, अचानक से इतना सारा टैक्स लगा देना, तो उसको लेकर भी ऑब्वियस सी बात है हो सकता है फिर यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आ जाए, लोग सड़कों पर आ जाए, वो देखने वाली बात होगी। क्वेश्चन फाइनली यहाँ पर यह है कि क्या ये जो बेलआउट पैकेज है क्या ये पाकिस्तान के लिए आखिरी होने वाला है। मैं आपको बता दूँ कि पूरा इतिहास अगर आप देखिए पाकिस्तान का, मैंने आपको पहले ही बोला ये 25th बेलआउट पैकेज है, ये जो लोन लिया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा IMF से। और चाहे 1988 के बाद से ये ग्राफ आप देख सकते हो, हर बार मतलब हर 2-3 साल में इनको यहाँ पर लोन लेना पड़ता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल क्रेडिटर्स की, तो जितना भी कर्ज है ना पाकिस्तान पे, उसका 40% कर्ज अकेले इनका बाहर से एक्सटर्नल क्रेडिटर्स है, और जिसमें सबसे बड़ा कौन है, चाइना और चाइनीज़ कमर्शियल बैंक। करीब $30 बिलियन का कर्ज अकेले इन्होंने चाइना से लिया है, और सेकेंड नंबर पर वर्ल्ड बैंक है जहां पर $20 बिलियन का कर्ज लिया हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस मुसीबत से निपट पाता है पाकिस्तान, और क्या ये $7 बिलियन का ये आखिरी होगा, लगता नहीं है। बट आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं SDR के बारे में, जो वैल्यू होती है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज US डॉलर का होता है, लेकिन
यूएस डॉलर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है वो आपको बताना है इनमें से, और इसका राइट आंसर आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कोई भी बैच चाहते हैं यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइफ टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। मेरा ख्याल है जब से मैंने भी होस्ट संभाला है और जो है थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स में या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है तो मैंने भी हमेशा यही सुना है कि भाई पाकिस्तान जो है वो आखिरी बार आईएमएफ के पास जा रहा है और इसके बाद दोबारा कभी नहीं जाएगा, और उसके बाद भी जो है वो कई बार जो है वो जा चुका है, और मुझे लगता है चीज़ थमने वाली नहीं है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि भाई जब तक खुद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, चीज़ें जो है वो बेहतर जो है वो नहीं होने वाली। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, और मेरा ख्याल है कि जो कुछ लोगों के हाथ में वेल्थ है ना उसको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं मौजन की बात से अग्री करूंगी कि हमें नहीं पता कि यहाँ पर आखिरी बार कब आएगा कि भाई आईएमएफ से ये लास्ट टाइम पर हम लोग लोन ले रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होती है, क्योंकि जब आपको पता हो कि आपकी कंट्री पर इतना ज़्यादा डेट है और आप उसको पे बैक भी नहीं कर सकते, और मैं कहूँगी कि सबसे बड़ी आयरनी ये है यहाँ के लोगों का माइंडसेट कि अगर बेल आउट पैकेज आपको मिल जाता है और तो वो उस पर खुश हो जाते हैं कि भाई पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिल जाता है, किस किस्म का माइंडसेट है कि उधार लेने पर जो है ना आपको खुशी महसूस हो रही है बजाय इसलिए कि आप ये चीज़ क्वेश्चन करें कि भाई हम इतना डेट क्यों ले रहे हैं या हमारा कंट्री जो है वो इस तरह से क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा, क्या वो चीज़ें हैं। अब अगर टैक्स के बारे में बात करें रिफॉर्म करने के, तो एक हमारे जैसा जो मिडिल क्लास बंदा है हम लोग अपनी इनकम पर भी टैक्स पे कर रहे हैं, हम लोग अपनी प्रॉपर्टी पर भी टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर मुझे ये नहीं समझ आता कि टैक्स जाता कहाँ पर है। ठीक है, माना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स पे नहीं करते, बट आप उनसे टैक्स कलेक्ट करें, अगर आप एक पूरा सिस्टम अच्छे तरीके से रन करेंगे तो हर कोई ऑब्वियसली टैक्स पे करेगा और उनको कुछ फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए। यहां पर तो लाइफ की बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों की जो एक डिस्कशन सुनी है उसमें मैंने ये चीज सुनी है, जहां पर कहीं ना कहीं पर वो भी मुझे सही लगते हैं कि अगर हम लोग टैक्स देते हैं तो हमें फ़ायदा क्या, क्या हमें अच्छी सड़कें मिल रही हैं, क्या हमें गलियां साफ़ सुथरी मिल रही हैं, हमें पानी पीने का पानी साफ़ मिल रहा है। तो ये बैलेंस मेंटेन करना गवर्नमेंट का काम है, ये नहीं है कि अभी जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक महीने हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल आया, अगले महीने पता नहीं उससे डबल आ जाए, आपने इस्तेमाल उतना ही करना है। लेकिन ये है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में आपको एक स्पाइक नज़र आया है कि लोग यहाँ पर मतलब वाकई में लोगों की बस हो चुकी हुई है जितने यहाँ पर बिल्स आते हैं। अभी विंटर आने वाला है तो लोगों का थोड़ा सा इस लिहाज से आप कह लो कि थोड़ा सुकून है कि चलो एसी वगैरह ऑन नहीं होंगे तो थोड़े बिल में कमी आएगी, लेकिन अगर हम कंपेयर करें इनको पिछले कुछ सालों से तो एसी का बिल जो सॉरी जो विंटर्स में भी हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं वो मतलब प्रीवियस बिल से बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर रिसेंट टाइम्स में जो है ना जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस की हाई की बात है वो की गई है, अभी कल ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि क्योंकि अमूमन सर्दियों में आपके 150-250 इस तरह यूनिट जो है वो चलते हैं, तो जो 200 यूनिट्स तक, क्योंकि पहले होता था 300 यूनिट की स्लैब्स होती थी कि भाई वहाँ तक आपको जो है ना एक कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, भी 200 पे कर दिया उसने, वो भी जो है वो चीज़ जो ख़त्म की जा रही है। अब 200 को भी वही रेट है जो इन 200 से नीचे जो इस्तेमाल कर उसे भी वही रेट है जो 200 से ऊपर वाला है, तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो थमने वाला नहीं है। सबसे मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ आपको धचका दे रही है ना आज के टाइम में, एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, दूसरा खाने पीने की चीज़ें, और यही बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि एक मिडिल क्लास स्पेशली मिडिल क्लास के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर हम लोग एलीट क्लास की बात करें तो वाकई मैं मौजूद की बात से अग्री करूंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इस तरह से होनी चाहिए जो कि सबके काम आए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि भाई वो कुछ लोगों के हाथ में है, कंट्रोल ही कुछ लोगों के हाथ में, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है मिडिल क्लास तबके को सबसे ज्यादा। और दूसरा मुझे लगता है कि लोगों का माइंड सेट पढ़े लिखे होना चाहिए, भाई आप जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें आईएमएफ ऑब्वियसली वो अगर हमें बेल आउट पैकेज देता है या वो हम लोगों को जिस तरीके से देता है
तो उसने भी रिकवर करना है। अब उसको नजर आ रहा है कि मैं अंधे कुएं में पैसे देता जा रहा हूं और मुझे यहां से वापसी का कोई सीन नहीं मिलेगा, तो फिर जाहिर सी बात है वो अपनी कंडीशंस और टर्म्स रखेगा। हमारे यहां पर लोगों को ये भी बड़ी तकलीफ होती है कि IMF इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहा है। ठीक है, मैं ये चीज़ समझती हूं कि लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोगों से ही पैसा जो है निकल कर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पर फेल है, आपके इदारे जो हैं वो चीज़ें मेंटेन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, क्योंकि जिसने उधार दिया उसने तो अपना उधार वापस लेना ही लेना है। यार सबसे बड़ी चीज है ना ये आती है कि आपने जो ना अगर कर्ज लिया भी है तो आप रिटर्न करने के लिए उसे क्या जो है वो करेंगे, क्योंकि अगर देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर वही बात आ जाती है कि आपको जो है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई अब जो है ना टेक जायंट्स जैसे एप्पल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया वो आके पाकिस्तान में बैठ जाए, ठीक है ना, क्योंकि भाई उनको लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जो है ना डेवलप होना पड़ेगा। इन शॉर्ट कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई आपकी लोकल जो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं है कि भाई जो कुछ खानदान है उन्हीं के पास से पैसे, बाकियों के पास भी थोड़े बहुत पैसे हैं, यानी कि अगर वो चाहें तो मिलके यहाँ पर जो है ना इंडस्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री लगाएंगे तभी जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की होंगी कि भाई उन लोगों से हटकर जो है दूसरों पे भी जो है नज़र जाए, तो तभी जो है वो चीज़ें रिफॉर्म हो सकती हैं कि भाई हर सिंगल बंदा जो है वो अपना जो है ना एक वो योगदान जो है उस चीज़ में दे और जो है वो चीज़ों को जो है बेहतर बना सके। वरना जो है ना नेक्स्ट टाइम भी हमें यही सुनने को मिलेगा, 2 साल बाद कह लें या साल बाद कह लें कि भाई हम आखिरी बार जो है वो जा रहे हैं, इसके बाद जो है ना हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे फिर अगेन यही लगता है लोगों का माइंड सेट, लोगों का एजुकेशन पर फोकस होना, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मौजूद ने बोला कि हम बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं या बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको नहीं बोलेंगे कि भाई, क्योंकि हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का नहीं है, लेकिन हमारा एक विजन तो होना चाहिए ना लाइफ में कि भाई ये हमारा गोल है, हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचना है, हमारा विजन हम तो पीछे ही जाते जा रहे हैं लाइफ में, तो कैसे कोई हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट करेगा। मुझे लगता है इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम में हम इंडिया से इंस्पायर हो सकते हैं कि इंडिया ने अगर देखा हो तो पूरे टाइम में सिर्फ एक मरतबा उसने IMF से लोन लिया, फिर उसके बाद आज आप देखो आपको एप्पल, सैमसंग, हर बड़ी बड़ी टेक जायंट्स जो है वो Amazon आपको इंडिया में नजर आता है, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, HP, हर कंपनी आपको जो है वहां पर किसी न किसी शहर में आपको नजर आ जाती है। बिल्कुल, सो कहने का मकसद ये है कि आपने अगर काम करना और चीजों में वाकई में रिफॉर्म लाना होना तो चीजें बिल्कुल हो सकती, गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, लोगों का भी माइंड सेट चेंज कर सकती है, क्योंकि लोगों उनको पता होता है कि हम लोगों ने क्या सुझाव जो है वो लोगों के लिए लेकर आना है। इट्स जस्ट कि आपकी खुद की नीयत होनी चाहिए उसको बेहतर बनाने की। बाकी ऑनेस्टली बोलूं मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये लास्ट टाइम हो, लेकिन दुआ कर सकते हैं कि ये लास्ट टाइम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत खुश होंगे अगर ये लास्ट टाइम होगा, क्योंकि कुछ तो बेहतरी कंट्री में देखने को मिलेगी। बाकी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, और इसी के साथ।